हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स इंग्लिश मीडियम के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स का हमारा जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम एनसीईआरटी के पूरे न्यूमेरिकल्स कवर कराएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करते हैं। तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1 देखिए, मेरे बोर्ड में क्वेश्चन का स्टेटमेंट डिस्प्ले होता है, आप वहां से रीड करिए या बुक से रीड करिए, मैं साथ में रीड करता हूँ। और सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज ए ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका है कि आप क्या लिखो, गिवन। तो ईएमएफ जो दिया हुआ है बैटरी का, स्टोरेज बैटरी का, वो है 12 वोल्ट। क्लियर। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस दैट मीन्स स्मॉल आर इज 0.4 ओम, ये गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम करेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, आई मैक्सिमम, हमको आई मैक्सिमम क्या है कैलकुलेट करना है। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, कुछ न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड हैं। तो आपको गिवन पता होना चाहिए और रिलेवेंट फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप क्या है उसका फार्मूला वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, हमको पता है आई इक्वल टू होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मीन्स इंटरनल पर प्लस एक्सटर्नल। बट फॉर मैक्सिमम करंट, सपोज हमने करंट को मैक्सिमम लिया, तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम जीरो लेते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होगा तो बैटरी से मैक्सिमम करंट मिलेगा, तो उस टाइम फार्मूला हो जाएगा ई अपॉन स्मॉल आर, दैट इक्वल ई का वैल्यू कितना है, दो लाइन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, 0.4। इसको हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 120/4 हो गया 30 एम्पियर। दिस इज द आंसर, 30 एम्पियर। बहुत आसान है। देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन की खासियत है कि बहुत इजी से धीरे 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 डिफिकल्ट होता है और हर कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, 30 एम्पियर। आंसर टेली करते हुए चलते हैं, 30 एम्पियर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में डिस्प्ले होता है, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए पहले। क्वेश्चन नंबर 3.2, स्टेटमेंट आप रीड करिए। ए बैटरी आप ईएमएफ 10 वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी, इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ हमको क्वेश्चन गिवन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम, स्मॉल आर इज 3 ओम, इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। इफ द करेंट इन द सर्किट इज, अमाउंट ऑफ करेंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स, दैट मीन्स कैपिटल आर हमको फाइंड करने बोल रहा है। इफ द करेंट, व्हाट इज द इंटरनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट क्लोज्ड हो तो क्या पूछ रहे हैं, इंटरनल वोल्टेज उस समय हमको वी फाइंड करना है। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सेम फार्मूला जो भी मैं अप्लाई किया था वही लगेगा, आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दैट इंप्लाइज वैल्यू पुट अप कर दें। आई का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.5 इक्वल टू कैपिटल ए इज 10 वोल्ट, इस कैपिटल आर फाइन करना है, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, स्मॉल आर इज 3। क्लियर, दैट इंप्लाइज अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लें, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें, तो आर प्लस 3 इक्वल टू 10 अपॉन 0.5, दैट इंप्लाइज आर प्लस 3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 20, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/10। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, एक जीरो वहाँ कर दें तो 100/5, ये 20 हो गया। देयरफॉर
R equal to 20 minus 7, that means 20 minus 3, that means 17 ohm. ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के पूछता है कि इस कंडीशन पर V कितना होगा. तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस, अब I करेंट फ्लो रहा है, स्मॉल R उसका क्या है, रेजिस्टेंस है, स्मॉल R उसका रेजिस्टेंस है. तो ये फार्मूला हो जाएगा V इक्वल टू E माइनस I इंटू R. ये हो जाएगा पोटेंशियल बिटवीन टर्मिनल्स, टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल कितना होगा. दैट इंप्लाइज V इक्वल टू 10 माइनस अमाउंट ऑफ करेंट इज 0.5 एम्पियर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3. दैट इंप्लाइज V इक्वल टू 10 माइनस 1.5, देयरफॉर V इक्वल टू 7.5 वोल्ट, 8.5 वोल्ट. ये हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर का आंसर, 8.5 वोल्ट. क्लियर. तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला पर है. यहाँ पर आप ध्यान रखना, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये भी पोटेंशियल है क्योंकि आई करेंट फ्लो हो रहा है, और स्मॉल आर क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. ये भी आसान क्वेश्चन है. क्लियर. ये क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का भी स्टेटमेंट आप रीड करिए बोर्ड से. क्वेश्चन नंबर 3.3 स्टेटमेंट इज, थ्री रजिस्टर्स, इसमें टू क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन ए का स्टेटमेंट है, थ्री रजिस्टर्स 1, 2, 3 आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज दैट. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. देखो, आर वन इक्वल टू 1 ओम फर्स्ट रजिस्टर, आर टू इक्वल टू 2 ओम, एंड आर थ्री इक्वल टू 3 ओम के थ्री रजिस्टर्स हैं, 1, 2, 3 कंबाइंड इन सीरीज. ये सीरीज में कंबाइन किए गए हैं. बोलता है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. बहुत इजी क्वेश्चन है. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एस, एस फॉर सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होता है. तो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दैट इक्वल ये 1 + 2 + 3 इक्वल 6 ओम. ये फर्स्ट आंसर है. बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फार्मूला का एप्लीकेशन आपको जानना है कि किस तरह से इसको यूज करना है अपने को. बी सेकंड पार्ट में बोला है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड ए नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर. बी पार्ट में बोला है, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कि यदि उसका पोटेंशियल, यदि उसको हम किसके साथ में कनेक्ट कर दें, पोटेंशियल 20 वोल्ट के बैटरी के साथ में उसको हम कनेक्ट कर दें, तो पोटेंशियल ड्रॉप, अलग अलग पोटेंशियल क्या होगा. देखिए, यदि हम इसका छोटा सा सर्किट बना दें, तो इस तरह से ये 3 रजिस्टर हैं, और इसमें हमने ये 20 वोल्ट का करंट सप्लाई कर दिया. ये सपोज R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और हम अब इसका वैल्यू फाइंड कर चुके हैं. ये 1, 2, 3. देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है. मतलब आई करंट इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, बट पोटेंशियल आर डिफरेंट. इसका सपोज V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है. तो सबसे हम पहले निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ करंट. क्लियर. V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, देयरफॉर आई इक्वल टू वी अपॉन आर, दैट इक्वल, तो टोटल अमाउंट ऑफ करंट वी अपॉन आर. तो पोटेंशियल कितना है हमको, 20 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है क्या, 6 ओम. ये 6 हो जाएगा, दैट इक्वल 10/3 वोल्ट. ये हो जाएगा पोटेंशियल 10/3 वोल्ट. अब 10/3 वोल्ट जब इसका पोटेंशियल हो जाएगा, तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, 1, 2, 3 रेजिस्टेंस, 1, 2, 3 ही दिया हुआ है ना.
इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी आप ई एम एफ 12 वोल्ट, सॉरी तभी मैं सोच रहा था इस तरह से उठपटांग वैल्यू कभी आता नहीं है 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट, मैं दूसरा क्वेश्चन को देख लिया था, ये 12 वोल्ट है तो 2 एम्पियर। जनरली डेटा ऐसा देता है कि वो इंटीजर कंडीशन में कैंसिल आउट हो जाए, ये इतना एम्पियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में सबका अलग अलग हमको पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल ऑफ द R1 रजिस्टर एंड R2 एंड R3, सपोज दे आर V1, V2 एंड V3, तो देयरफॉर V1 इक्वल टू, V इक्वल टू कहेगा I इंटू R, तो करेंट कांस्टेंट है I और इसका रजिस्टेंस है R1, दैट इक्वल करेंट 2 एम्पियर एंड रजिस्टेंस इज ओम, दैट मीन्स 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट का हो जाएगा। एंड V2 इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 वोल्ट हो जाएगा। और V3 इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 6 वोल्ट। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, देखो हमारे पास जो 12 वोल्ट का पोटेंशियल है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें 2 वोल्ट का, इसमें 4 वोल्ट का और इसमें 6 वोल्ट का। इस तरह से ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, देखिए कोई भी न्यूमेरिकल आप करते हैं तो केवल सॉल्व करना आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट भी बराबर क्लियर होते जाना चाहिए क्वेश्चन के साथ, ताकि आप दूसरे क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर सको। तो ये तो डायरेक्ट सीरीज का फार्मूला है, और यहाँ पर देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसके बाद में आप क्वेश्चन 3.4 में देखना कि उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ट क्वेश्चन दिए हैं, इसीलिए मैं हमेशा NCERT के क्वेश्चन को इसलिए बेस्ट है बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन की पर इसमें नंबर आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में कुछ डिफरेंट बात होगी। इसलिए जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी NCERT होना चाहिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट रहें उससे कोई फर्क नहीं है, NCERT का बेसिक न्यूमेरिकल्स बहुत स्टैंडर्ड है, इसके बाद फिर अपने को थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाना है, क्लियर। चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि करंट वेरिएबल होता है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन नंबर 3.4। क्वेश्चन नंबर 3.4 स्टेटमेंट इज 3 रजिस्टर्स 2, 4 एंड 5 गिवन इज R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 2, 4, 5, 4 एंड R3 इक्वल टू 5 ओम। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल कंबाइन किया गया है। इसके बाद इनको 20 वोल्ट से, यही क्वेश्चन मैं पढ़ लिया था पहले, एंड द टोटल करंट डन फ्रॉम द बैटरी, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। सबसे पहले अब निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसमें फार्मूला हो जाएगा 1/RP, पी फॉर पैरेलल, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दैट इन प्लेस वैल्यू पुट अप करें 1/RP इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू 2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, दैट इम्प्लाइज 1/RP इक्वल LCM कितना हो जाएगा इसका 20, ठीक है, तो 20 LCM आ गया, 2 10 जा, ये हो गया 10 प्लस 4 5 जा और 4 5 4 जा, ये दैट इम्प्लाइज 1/RP इक्वल टू, ये हो गया 19/20। अब इसको रेसिप्रोकल, यहाँ पर बहुत मिस्टेक होता है ध्यान रखना, बहुत लोग हड़बड़ी में यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं कर पाते, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/19, ये हो गया। यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्किट बना दें, जैसे अभी हमने आपको समझाया इस तरह से, तो 3 रजिस्टर्स इस तरह से कनेक्ट होंगे, इसमें पैरेलल है ये, अब आपको पता है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ये जो वी है क्वेश्चन में दिया है 20 वोल्ट, ये कांस्टेंट होगा, और ये जो अमाउंट ऑफ करंट है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट I3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होएगा,
सपोज इसमें आई वन, ये आई टू, तो ये क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन कांस्टेंट होता है, पैरेलल में कौन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ करेंट, क्लियर। तो यहाँ से देयर फॉर करेंट आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, वी इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपन आर, तो ये हो जाएगा वी अपन आर, दैट इक्वल वी इज 20 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है, और अपन आर, आर इज 20 अपन 19, 20 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो गया 19 एम्पियर, 19 एम्पियर का करंट यहाँ पर टोटल फ्लो होगा। अब यदि हम इसको अलग अलग निकालें सब में कितना कितना करंट होगा, तो देयर फॉर आई वन इक्वल टू, आई इक्वल टू क्या जाएगा, वी अपन आर, वी अपन आर वन, वी इज 20 एंड आर वन इज, द वैल्यू ऑफ आर वन इज 2, तो 20 अपॉन 2 दैट मीन्स 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर का होगा इसमें। आई टू तो 20 अपॉन 4 मीन्स 5 एम्पियर, एंड आई थ्री इक्वल टू 20 अपॉन 5 दैट मीन्स 4 एम्पियर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो करंट है वो 3 पार्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, टोटल करंट अपने पास 19 एम्पियर है, ये हमने निकाला है 19 एम्पियर टोटल अमाउंट ऑफ करंट, जिसमें से आई वन मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस में 10 एम्पियर गया, सेकंड रेजिस्टेंस में 5 एम्पियर गया, और थर्ड रेजिस्टेंस में कितना एम्पियर गया, 4 एम्पियर करंट गया। यहाँ पर देखो टोटल का सम कितना होगा, 19 एम्पियर होगा, क्लियर, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का भी। थर्ड नंबर क्वेश्चन सीरीज पर था, और ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर है, क्लियर। तो ये सीरीज और पैरेलल का हमने एक एक क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3.5 क्वेश्चन नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 3.5 स्टेटमेंट आप रीड करिए, क्योंकि क्वेश्चन बताने के पहले स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3.5 नेक्स्ट क्वेश्चन, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, ये गिवन है। एट रूम टेम्परेचर रेजिस्टेंस, तो R 27 डिग्री, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री है, ये है 100 ओम, क्लियर। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाइंड टू बी 117 ओम, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, हमको टेम्परेचर फाइंड करना है। जब क्या हो, रेजिस्टेंस मतलब सपोज आर टी टेम्परेचर है, आर टी पर उसका टेम्परेचर हो जाए 117 ओम, टी इज द टेम्परेचर, दैट द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द मटेरियल इज, अल्फा गिवन है, तो अल्फा इक्वल टू हमको क्वेश्चन में दिया है 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री कूलम इनवर्स। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.5, ये क्वेश्चन अल्फा के फार्मूला पर बेस्ड है। ये 27 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस है, और जब उसका टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर टी डिग्री हो जाए, तो उस टाइम उसका रेजिस्टेंस 117 ओम है अल्फा, तो हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है, टेम्परेचर हमको फाइंड करना है कि उस रूम का टेम्परेचर कितना है। तो फार्मूला अपने पास होता है अल्फा इक्वल टू आर 100 माइनस आर टी अपॉन आर टी, मतलब 100 तो नहीं, यहाँ पर 27 की बात हो रही ना, तो 27 को 27 के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, तो यह हो जाएगा आर टी माइनस आर 27 अपॉन आर 27 और टी माइनस 27 डिग्री, ये फार्मूला होगा अल्फा का, ठीक है, ये है थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर। तो
तो अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर 27 ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला में हम इसके वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, दैट इक्वल आर टी का वैल्यू 117 माइनस आर 27 डिग्री में क्या फार्मूला वैल्यू है 100 अपॉन आर 27, आर 27 इज 100, टी हमको फाइंड करना है और माइनस 27 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा का भी वैल्यू अपने को दिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। क्लियर, दैट इम्प्लाइज अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हो जाएगा 100 टी माइनस 27 इक्वल ये हो जाएगा 17 अपॉन, इसको हम ट्रांसफ़र कर दें 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो 100 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और टी माइनस 27 इक्वल ये हो गया 17 अपॉन, इसको मैं 17 कर दिया तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और अपॉन में ये ट्रांसफ़र होकर 100 नीचे चलाएगा, दैट इम्प्लाइज टी माइनस 27 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा और ये 3, तो 10 टू द पावर 3 मतलब ये हो गया 100 10 टू द पावर 2 इसको लिखेंगे तो माइनस 2 और ऊपर जाके प्लस 2 तो 3000 हो जाएगा। देयरफॉर टी इक्वल टू 1000 प्लस 27 दैट मीन्स 1027 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये फार्मूला में आप पुट करेंगे और आंसर फाइंड हो जाएगा। एक बार आंसर टेली कर लें अपन, फिफ्थ नंबर NCERT 1027। क्लियर, तो ये है, इसमें बस कुछ नहीं करना है आपको, फार्मूला पुट करना है और अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6, क्वेश्चन नंबर 3.6 आप रीड करिए। थ्री पॉइंट सिक्स का स्टेटमेंट है, ए नेग्लिजिबल स्मॉल करेंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। देखो लेंथ गिवन है 15 मीटर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर एंड इस रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी रेजिस्टेंस इज 5 ओम इसका रेजिस्टेंस है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर भी रेजिस्टिविटी, अच्छा यहाँ पर रेजिस्टिविटी मतलब अपने को रो ये क्या करना है फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी अपने को पता है कि सिंस फार्मूला क्या है, सिंस रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, तो डायरेक्ट फार्मूला पर है कुछ नहीं है, तो रेजिस्टेंस हमको दिया है कितना 5, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 6 इंटू 10 टू द पावर, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये, एल कितना दिया है 15, इसको सॉल्व कर लें तो 5 3 और 3 2 तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कितना आंसर आया इसका। ओम मीटर, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है, सीधा ये गिवन है, आपको बस रिलेटेड फार्मूला पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको प्रॉपर फार्मूला याद होना चाहिए। बेसिकली तो दो ही बात के लिए जरूरी है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, कि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप पहचान पाओगे कि कौन कौन सा वैल्यू क्या है, और उसके बाद फिर आपको फार्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद बस कैलकुलेशन आना चाहिए, तो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3.7, लास्ट के कुछ क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड और इम्पॉर्टेंट हैं, ये तो जितना बता रहा हूँ वही मैं सीधा फार्मूला पर बेस्ड है। 3.7
ए सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 21 ohm एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर टी 27.5 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2.1 ohm। इन द रेजिस्टेंस ऑफ 800 डिग्री टी 100 पर दिया है रेजिस्टेंस 2.7 ohm। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। अल्फा हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया जो अभी किए हैं अपन। देखो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा टी 100 माइनस टी, टी 100 माइनस टी 27.5 अपॉन टी 27.5। क्लियर, ये रेजिस्टेंस है ना, सॉरी इसको आर लिखता हूँ मैं, ये आर की बात हो रही है, उस पर उसका रेजिस्टेंस है। और नीचे हो जाएगा टी माइनस, मतलब मैं डायरेक्ट मैं लिख दूँ 100 माइनस 27.5, 100 माइनस 27.5 दैट इम्प्लाइज अल्फा हमको फाइंड करना है। आर 100 का वैल्यू कितना है, 2.7 माइनस 2.1 अपॉन ये टी 27.5 पर 2.1, और अंदर हो जाएगा 100 माइनस 27.5। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लेते हैं अपन, ठीक है, ये आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना। जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री नाइन ये आएगा, ये ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस इन्वर्स, ये आंसर है। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना, ये मैं डायरेक्ट आंसर है इतना आएगा। तो ये भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू प्रॉपर, ये तो एक क्वेश्चन इस तरह से और बना भी चुके हैं, बस सीधा से वैल्यू पुट अप कर रहे हैं आपको। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.8 क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट पढ़ो आप लोग, ये हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई। क्लियर, 230 वोल्ट सप्लाई पर हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। ड्रॉ एन इनिशियल करंट, करंट 3.2 एम्पियर, आई इज 3.2 एम्पियर व्हिच सेटल आफ्टर ए फ्यू सेकंड टू ए स्टेडी वैल्यू 2.8 एम्पियर। 2.8 एम्पियर पर स्टेडी हो जाता है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशियंट अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 इंटू, ऐसी क्वेश्चन है भी, -4 3.2 एम्पियर। ट्वेंटी सेवन पर 3.2 एम्पियर गिवन है, और क्या क्या गिवन है, रूम टेम्परेचर इज 27 और टी पर है 2.8 एम्पियर। आई टी 2.8 एम्पियर। क्लियर, अल्फा का वैल्यू गिवन है। तो ये क्वेश्चन में कुछ स्पेशल बात क्या है, ध्यान देना आप लोग, इस क्वेश्चन में स्पेशल बात यह है कि हमको रेजिस्टेंस नहीं दिया है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है, देखो अभी तक हमने जितना क्वेश्चन बनाया, तो अल्फा का जो फार्मूला होता है आर टी माइनस, या टी पर आर टी माइनस आर 27 डिग्री सेल्सियस अपॉन आर 27 टी माइनस 27 डिग्री, ये फार्मूला हमको लगेगा।
और यहाँ पर एक खास बात, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा घुमावदार है, देखो यहाँ पर RT और R27 का वैल्यू ना देके उसके अकॉर्डिंग उसने दोनों का क्या दिया है, करंट दिया है। मतलब फार्मूला में हमको रेजिस्टेंस का जरूरत पड़ता है, लेकिन उसने दिया है अमाउंट ऑफ करंट, तो हम करंट के हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो R27 अपन फाइंड कर लेते हैं, ये R27 V इक्वल टू V अपन I तय हो जाएगा, V अपन I 27 हो जाएगा, ये क्लियर। तो V का वैल्यू दिया हुआ है 230 वोल्ट और अपन I 27 इज 3.2, ये हो जाएगा दैट इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 2300 अपॉन 32। बाद में इसको सॉल्व करते रहेंगे, लेंदी कैलकुलेशन है पूछने, तो 23 अपॉन 32 ओम हो जाएगा। इसके बाद टी टेम्परेचर पर तो हम निकाल लेते हैं RT, तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मतलब 2300 अपॉन टी पर ये क्या है 2.8, इसको हम लिख सकते हैं 23 अब हो जाएगा 2300 अपॉन 28। देयरफॉर अब ये फार्मूला जो मैं लिख के रखा हूँ उसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये अल्फा इक्वल टू RT इसका वैल्यू है 2300 अपॉन 28 माइनस 2300 अपॉन 32 अपॉन 23, लेंदी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 32 और ब्रैकेट में आएगा T-27। तो हमको टेम्परेचर फाइंड कर, टेम्परेचर कोफिशियंट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका ही वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं 1.7 × 10⁻⁴ और ये हो जाएगा T-27। अब ये हमको सॉल्व करना है, दैट इम्प्लाइज इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो मैं तो कैलकुलेटर से करके बताऊंगा आपको, चलिए मैं कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वैसे आप लोग को सिंप्लीफाई करना है इसको, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करके इसको इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और T-27 इक्वल ये न्यूमरेटर को मैं डिवाइड किया 2300 डिवाइडेड बाई 28 82.143, ये आप लोग को मैनुअली करना है ना, मेरे से डिवाइड नहीं होगा वो, मैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से लेंदी कैलकुलेशन हो तो आपको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 23 अपॉन 32, इसको सॉल्व करेंगे तो 71.875 ये आएगा, 23 में 32 अपन डिवाइड किए अभी तो ये आया 71.875 और इनटू ये हम क्या करेंगे, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7 × 10⁻⁴ ये होगा, दैट इम्प्लाइज T-27 इक्वल टू, इतने पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे आप कैलकुलेटर से, आप कर लेना उसको सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 82.143 माइनस 71.875 डिवाइडेड बाय 840 अप्रोक्स ले लिया मैं, ये हो जाएगा, और बाद में क्या करेंगे अपन उसको 27 को घर ले जाके ऐड कर देंगे, तो देयरफॉर टी इक्वल टू 840.34 प्लस 27। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 867.3 डिग्री सेल्सियस। ये तो यहाँ पर एक लेंदी कैलकुलेशन है, यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है, उसको आप कैलकुलेटर से कर लेना। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि अल्फा के फार्मूला में जो आर होता है वो ना देके उसको किस फॉर्म में दिया है, करंट के फॉर्म में दिया है, तो हम करंट के हेल्प से दोनों का क्या निकाल लिए, रेजिस्टेंस निकाल लिए, फाइनली हमको उस फार्मूला में पुट अप करना है, तो कैलकुलेशन बेस्ड है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है।
मेन आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ना है ना। ये कैलकुलेशन में कुछ नहीं रखा है, ये तो आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.9। क्वेश्चन नंबर 3.9 का स्टेटमेंट आप रीडिंग करिए। नाइन नंबर क्वेश्चन, हाँ ये नाइन नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सर्किट पर बेस्ड है, किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग पर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले सर्किट बना दूँ। पूरा कैलकुलेशन क्योंकि सर्किट पर बेस्ड है। ये एक ऐसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्किंग का बहुत सा क्वेश्चन आपसे इसी के बेस पर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टर यहाँ, ये फोर रजिस्टर हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज के पैटर्न पर लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं, एक रजिस्टेंस हमको यहाँ पर लगाना है, एक रजिस्टर हमने सपोज यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर दिया हुआ है एक रजिस्टर, यहाँ पर बैटरी दिया हुआ है 10 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पर लगा दिया 10 वोल्ट। इसके पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, रजिस्टर हैं 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10 and 5, क्लियर। और यहाँ भी दिया हुआ है एक रजिस्टर इस प्रकार से, वो है 5 ओम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से सर्किट दिया हुआ है, 10 ओम का है, 10 वोल्ट है, ये भी क्या है 10 ओम है। अब ये क्वेश्चन में पूछा है कि इसके हर टर्मिनल पर, मतलब ए बी पर, बी सी पर, सी डी पर, डी ए पर, सभी टर्मिनल पर क्या करना है अपने को, करंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा ध्यान समझना, ये क्वेश्चन गिवन सर्किट है, अब इस सर्किट पर मैं करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्लियर। तो सपोज यहाँ से आई करंट यहाँ फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ये टोटल अमाउंट ऑफ करंट आई है, और ये आई करंट जब यहाँ पहुँचेगा ये, तो सपोज इस रजिस्टर से गया आई वन करेंट, क्लियर। अब इस जंक्शन में चले आओ बी में, तो बी में सपोज इस डायरेक्शन में आई टू करेंट गया, तो इसमें कितना करंट जाएगा, आई वन टोटल यहाँ पहुँचा था, आई टू इधर चला गया, तो बच जाएगा कितना, आई वन माइनस आई टू, ये बच जाएगा। यहाँ पर देखो टोटल करंट आई यहाँ पर गया और आई वन इधर चला गया, तो बचेगा आई वन आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन, क्योंकि टोटल करंट यहाँ तक आई पहुँचा, आई वन इधर चला गया, तो आई माइनस आई वन। अब यहाँ पर ये करंट आएगा, ये करंट आएगा, मिलेंगे और इधर फ्लो होगा, तो कौन कौन मिले यहाँ पर, आई माइनस आई वन और प्लस इसके साथ आके एड हो जाएगा क्या, आई टू, और टोटल करंट यहाँ मिलने के बाद फिर करंट रिटर्न वापस आएगा। तो ये है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो रेडिंग से मैंने लिखा है प्रॉपर। सबसे पहले आपको समझना है इस करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को, क्लियर। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो हमको एक एक क्या करना है, एक एक जो नेटवर्क है क्लोज्ड मेस उसमें हमको किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है। तो सबसे पहले ए बी डी ए, तो ये इन ए बी डी ए, ए बी ए बी डी ए बाई किरचॉफ्स
सेकेंड लॉ, लिखने की जरूरत नहीं है, उसको क्लियर है ऐसी। तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से हम स्टार्ट करें तो 10 के साथ में I1 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10 I1। यहाँ चले आए, अब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो डायरेक्शन सेम है, तो I2 5, ये हो जाएगा प्लस 5 I2। अब इधर जाएंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो हो जाएगा -5 और अंडर ब्रैकेट I माइनस I1। और इसमें कोई बैटरी नहीं लगा है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सर्किट में कोई भी बैटरी नहीं है। दैट इम्प्लाइज, अब इसको हम सॉल्व करते हैं चलिए, तो पूरे इक्वेशन में 5 डिवाइड हो रहा है, 5 डिवाइड होगा तो ये हो गया 2I1 प्लस ये हो गया I2 माइनस 5 डिवाइड होगा और माइनस के अंदर में मल्टीप्लाई कर दूँ तो -I + I1 = 0। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ से देखो ये 2 और ये 3I1 और प्लस I2, इसको इधर ट्रांसफर कर दो इक्वल I, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। ये I1 और I2 में एक रिलेशन मिल गया I के फॉर्म में, क्लियर। ये हो गया इसका फर्स्ट कंडीशन, अब I के फॉर्म में हम दूसरा भी एक रिजल्ट ला सकते हैं। इसमें देखो क्लोज्ड मेश BCDA इन BCDB बाइक की चाप सेकंड ला, तो यहाँ पर लगाओ क्या होगा, ये करंट है, ये इसका रेजिस्टेंस है, तो हो जाएगा 5 × I1 - I2। इधर जाएंगे डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 10 और करंट है I - I1 + I2। इधर जाएंगे फिर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो हो गया -5 × I2 = 0। इसको भी सिंप्लीफाई करें तो पूरे रिलेशन में 5 यहाँ भी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये I1 - I2, अंदर ये माइनस 5 - 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2I + 2I1 - 2I2। 5 डिवाइड किया तो 2 हो गया और यहाँ पर 5 डिवाइड हो गया तो -I2 = 0। दैट इम्प्लाइज, इसको भी आगे हम सॉल्व करें तो I1 3, ये हो गया 3I1 - I2 और -I2 - 3I2, क्लियर। I1 और I1 3I1 I2, अच्छा ये भी है I2, तीनों माइनस, ये हो जाएगा 4I2 और I है अपने पास ये ओनली 1, तो उधर जाके हो जाएगा 2I, दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड। अब दो अपने को इक्वेशन मिल जाएंगे 3I1 + I2, एक रिलेशन ये हुआ और एक रिलेशन ये हुआ, दोनों रिलेशन को हम सॉल्व करके I1 और I2 का हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं I के फॉर्म में, क्लियर। इसके बाद फिर हम क्या है इंडिविजुअल I1 I2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम जितने भी यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं इसके सब में करंट फाइंड कर सकते हैं। सर्किट क्लियर है, दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड को तो क्या मिलेगा अपने को। सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं किसको, I1 को, तो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में सेकंड को माइनस करेंगे तो 3I1 3I1 के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 4 + 1 ये हो जाएगा 5 I2 = इसको माइनस करेंगे तो 2 - 1 - 2 मतलब हो जाएगा ये -I, देयरफॉर ये I2 = हो जाएगा -I/5। ये ध्यान रखना I2 का वैल्यू I के फॉर्म में इतना मिल जाएगा, क्लियर। अब हम I2 के वैल्यू को कहीं भी पुट अप कर देते हैं, यहीं पर पुट अप कर देते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट में पुट अप करें तो क्या हो जाएगा 3I1 और I2 का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं -I/5 = I,
दैट इंप्लाइज 3i1 इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करें तो i प्लस आई अपॉन 5, दैट इंप्लाइज 3i1 इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 6i अपॉन 5, दैट इंप्लाइज 3 2 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो i1 इक्वल टू हो जाएगा 2i अपॉन 5, ये हो जाएगा i1 का वैल्यू। तो हमको i1 और i2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा किसके टर्म में, i के टर्म में। अब हमारे पास एक क्लोज मेस और है, और वो क्लोज्ड मेस है ये ए बी सी डी, सॉरी यहाँ से ए बी सी, इस पॉइंट का भी नाम दे देता हूँ मैं सपोज ई और इसका नाम एफ। तो ये जो मेस है उसमें हम लगाते हैं, क्लियर, और दोनों के वैल्यू को अपन पुट अप कर देते हैं। तो इन मेस, मेस का नाम देखो यहाँ से ए बी सी, ए बी सी ई एफ ई एफ ए, ये मेस को ध्यान देना, फर्स्ट और लास्ट जो सिंबल है सेम होना चाहिए मेस में। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करें तो क्या होगा, देखो यहाँ से स्ट्राइट अप्लाई करो, 10i1 प्लस यहाँ चले आए तो 5i-i1-i2 यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ चले आए, इसके बाद यहाँ पर आएंगे अपन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, i के साथ में, तो हो गया प्लस 10i, और प्लस डायरेक्शन भी देखते जाइए, ये डायरेक्शन है ये भी डायरेक्शन सही है, तो सब प्लस प्लस होगा। इसके बाद इधर चले आएंगे तो ए तक पहुँच गए, और इसमें बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट का, तो इक्वल टू 10 हो जाएगा, ये 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। दैट इम्प्लाइज आगे इसको हम सॉल्व करें तो पूरे इक्वेशन में 5 डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 2 प्लस i1 माइनस i2, 5 डिवाइड कर रहे हैं तो, और प्लस ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 10, सॉरी ये भी इसमें 5 डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू क्या हो गया 2। दैट इम्प्लाइज ये 2 प्लस 1 3, 3i1 माइनस i2 और प्लस 2i इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम i1 i2 का वैल्यू जो निकाल के रखे हैं ये इन दोनों वैल्यू के यहाँ पर पुट अप कर देते हैं तो हो जाएगा 3, और i1 का वैल्यू क्या है 2i अपॉन 5 माइनस i2 का वैल्यू ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया i अपॉन 5 और प्लस 2i इक्वल टू 2। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना होगा, 5 एलसीएम होगा, ये 5 तो 3 2 जाए यहाँ पर 6, 6i प्लस i प्लस 10i इक्वल टू 2। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर 10 और ये 16 17, तो 17i इक्वल टू 5 उधर जाके ट्रांसफर होकर हो जाएगा 10, देयरफॉर I इक्वल टू 10/17 एम्पियर। तो टोटल अमाउंट ऑफ करेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 10/17 एम्पियर। अभी इसमें और कैलकुलेशन है तो मैं ये वाला पोर्शन इरेज करूँगा, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है और आपको इसको समझ गए एक क्वेश्चन तो किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड आपके सभी सर्किट बन जाएंगे, बहुत अच्छा कलेक्शन एनसीईआरटी का। तो एक बार क्या है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बीच वाले पोर्शन को इरेज कर दूंगा। हो गया, देखिए अब हम लेते हैं इसको इरेज कर रहे हैं, इसका जरूरत है। अब i का वैल्यू अपने को मिल गया तो इसके हेल्प से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, i1 और i2। तो यहां से देखिए देयरफॉर i1 इक्वल 2/5 और इंटू आई, और i अपना क्या है 10/17। इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 2 4/17 एम्पियर i1 का वैल्यू होगा, एंड i2 इक्वल टू यहाँ पर पुट अप करें
तो माइनस वन अपॉन फाइव एंड आई इज टेन अपॉन सेवनटीन दैट इक्वल फाइव टू जा तो माइनस टू अपॉन सेवनटीन एम्पियर ये हो जाएगा। अब हमको सभी टर्मिनल में अभी सभी टर्मिनल में हमको क्या करना है करंट मेजरमेंट करना है। तो मैं वन बाय वन सभी टर्मिनल को ले रहा हूँ, राइट साइड भी मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ तो आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया है। और अब सभी टर्मिनल में हम क्या करते हैं, I1, I2 का वैल्यू फाइंड हो गया तो सब में हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। देयर फॉर फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं AB सर्किट में, इन AB सर्किट, ये AB, तो AB सर्किट में करंट कितना है, I1 है, तो AB सर्किट में करंट I1 ही होगा, I हो जाएगा 4 अपॉन 17 एम्पियर, तो AB में मिल गया अपने को। अब निकालेंगे सेकंड BC, इन BC सर्किट, तो BC में I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 दैट इक्वल I1 इज 10 अपॉन 17 और माइनस I2 इज दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 17 दैट इक्वल हो गया 6 अपॉन 17 एम्पियर। एंड थर्ड पार्ट इज BC हो गया। अब हम कर लेते हैं किसमें, BD, क्योंकि क्वेश्चन हमको पूछा है सभी पार्ट में करंट का अमाउंट फाइंड करो, तो ये क्या है, I2 के इक्वल है, तो यहाँ पर तो ये I2 होगा दैट इज माइनस 2 अपॉन 17 एम्पियर। अब हम निकाल लेते हैं किसमें, CD, 4 इज CD और CD में करंट कितना है, देखो I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2 दैट इक्वल I का वैल्यू अपने को कितना फाइंड हुआ था, I का वैल्यू 10 अपॉन 17, ये हो जाएगा 10 अपॉन 17 माइनस I1 का वैल्यू 4 अपॉन 17 और I2 का वैल्यू माइनस 2 अपॉन 17 दैट इक्वल ये 4 और 2 ऐड होगा 6, 10 में माइनस होगा तो हो जाएगा 4 दैट मीन्स 4 अपॉन 17 एम्पियर। क्लियर। और फिफ्थ इज CD के बाद हम निकाल सकते हैं किसमें, DA, तो इन DA सर्किट में I माइनस I1 है तो I माइनस I1 इक्वल टू 10 अपॉन 17 माइनस I1 का वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ से 4 अपॉन 17 दैट इक्वल 6 अपॉन 17 एम्पियर। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है, लेंदी जरूर है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके आंसर हैं। फर्स्ट आंसर इज ये एक बार अपन बुक से टेली कर लेते हैं आंसर, ये कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के भी चांस रहते हैं, तो ये NCERT का क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन, इस पर एक बार आंसर अपन टेली करते हैं। ब्रांच AB में 4 अपॉन 17, ब्रांच BC 6 अपॉन 17, ब्रांच AD 6 अपॉन 17, AD 6 अपॉन 17 ठीक, ब्रांच DC 4 अपॉन 17। क्लियर। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जब हमको I1 I2 मिल जाएगा तो उसके बाद हम सभी ब्रांचेस में इसके करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 3.10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप पढ़िए ध्यान से, 3.10। इधर के भी क्वेश्चन, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इधर के भी क्वेश्चन क्या है, दो दो लाइन में फार्मूला पर बेस्ड है। इन ए मीटर ब्रिज फिगर 3.27, फिगर 3.27 का रेफरेंस है इसमें, इसके यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, बैलेंस पॉइंट पर, तो फिगर को बताने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये एग्जांपल पर बेस्ड जो 3.27 एग्जांपल पर पीछे बुक में आप देखेंगे 3.27 मीटर ब्रिज का जो फिगर दिया हुआ है उस पर बेस्ड है, उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5, दैट मीन्स L इज
दो लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें। फ्रॉम इंड ए व्हेन द रजिस्टर वाई इज 12.5, एक पी सपोज कर लो उसको, यहाँ पर रेजिस्टेंस वाई दिया हुआ है, ठीक है, इसको वाई सपोज कर लेते हैं, तो वाई इक्वल टू दिया हुआ है 12.5 ओम, बैलेंस पॉइंट इज 39.5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एक्स, एक्स रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है, व्हिच इज सर्विस, व्हाट इज द कंसर्न बिटवीन, ठीक। तो अपने को फार्मूला पता है इसका, डायरेक्ट पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस के फार्मूला के यदि हम इसमें अप्लाई कर दें तो एस इक्वल टू आर इंटू एल अपान, एस इक्वल टू आर इंटू एल अपान 100 माइनस एल, ये फार्मूला होता है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर एक्स, तो आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर वाई है, तो वैल्यू पुट अप करो 12.5 लेंथ इज 39.5 अपान 100 माइनस 39.5, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। मैं कैलकुलेटर से फटाफट करके बता देता हूँ इसको, 493.75 न्यूमरेटर आएगा और डिनोमिनेटर आ जाएगा 60.5, इसको हम डिवाइड कर दें तो 8.16 ओम, ये इसका आंसर है, क्लियर। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट इफ द ब्रिज एक्स वाई आर द इंटरचेंज। अब यदि हम फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर यदि इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें दैट मीन्स टर्मिनल को चेंज कर दें, तो लेंथ क्या हो जाएगा 100 माइनस 39.5 हो जाएगा। मतलब यदि बैलेंस पॉइंट को लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो 39.5 है, राइट साइड से लेंगे तो 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, तो 100 माइनस 39.5, इसको भी हम माइनस कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 60.5, ये हो जाएगा 60.5 मीटर, ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट पूछा है, व्हाट हैपेंड इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट, नो चेंज। यदि इसको हम इंटरचेंज कर दें तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा, उस पर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, उस पर तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं। तो ये मीटर ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मूला पर आपको रखना है, फिगर का रेफरेंस दिया है जिसका जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, 3.11 नेक्स्ट इज 3.11 क्वेश्चन नंबर 3.1 ए स्टोरेज बैटरी आप ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ओ बैटरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ईएमएफ इक्वल 8 वोल्ट, सॉरी ना 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, स्मॉल आर इज 0.5 ओम, बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट, ये 120 वोल्ट से क्या करता है, उसको चार्ज करते हैं बाद में डीसी सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रेजिस्टेंस 15.5, एक सीरीज रेजिस्टेंस है 15.5 के सीरीज रेजिस्टेंस से हम उसको चार्ज कर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। अच्छा वो बोलता है कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल ईएमएफ इतना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, यदि हम उसको 120 वोल्ट के एडिशनल बैटरी से चार्ज कर दें तो क्या होगा बोल रहे हैं, ठीक है, इसका हम सर्किट बनाना चाहें तो इस तरह से एक छोटा सर्किट बना सकते हैं। ये एक बैटरी है, ये है 8 वोल्ट का ईएमएफ है इसका, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5, बाद में हम इसको क्या करें 120 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दें और उस टाइम इसका रेजिस्टेंस 15.5, यहाँ पर हम लगा दें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर 15.5, तो क्या होगा बोल रहे हैं। इसी के साथ में हमने सीरीज कंबाइन कर दिया 120 वोल्ट के बैटरी को, क्लियर। और सबसे पहले हम निकाल लेंगे इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
effective EMF. इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो जाएगा, जब दो दो बैटरी लगा हुआ है उस कंडीशन में इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा 120 वोल्ट माइनस 8, मतलब E इक्वल हो जाएगा 120 माइनस 8, दैट मीन्स 112 वोल्ट। ये क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमने दो दो बैटरी लगाया है, तो इफेक्टिव क्या होगा, दोनों के प्लस टर्मिनल एक साथ है, एक ही एंड में है, सीरीज में कंबाइन है, तो इफेक्टिव हो जाएगा 120 माइनस 8। अब यहाँ पर यदि हम करंट निकालना चाहें तो करंट, देयरफॉर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल इफेक्टिव ईएमएफ इज 112 एंड रेजिस्टेंस इज 15.5 प्लस 0.5, दैट मींस 112 अपॉन 16। 112 में यदि हम 16 को डिवाइड करें तो आ जाएगा 7, दैट इक्वल 7 एम्पियर, ये इसमें करंट हो जाएगा। इस तरह से इस सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा, रिजल्टेंट करंट वो होगा 7 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। क्लियर, सबसे पहले हम निकालेंगे इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव ईएमएफ के बाद इफेक्टिव करंट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा है कि टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ई प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ में I इंटू आर, या V के साथ कर सकते हैं अपन, V प्लस I इंटू आर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी टर्मिनल बोल रहा है तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, जितना हमने इसमें बैटरी का ईएमएफ इंक्लूड किया है वो, दैट मीन्स 8 प्लस अमाउंट ऑफ करेंट अपने पास कितना हो गया 7 ये, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5, तो 8 प्लस 3.5 दैट मीन्स 11.5 वोल्ट, ये इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा 11.5। तो ये इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के एक बार समझ लीजिए, 8 वोल्ट का अपने पास बैटरी है जिसमें हमने बाद में एडिशनल 120 वोल्ट का सपोर्ट लगाया, तो इफेक्टिव ईएमएफ इतना होगा, इफेक्टिव करंट इतना। अब इसके बाद टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो टोटल ईएमएफ प्लस अमाउंट ऑफ करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि हो जाएगा 11.5 वोल्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट रीड करिए आप, 3.12। इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट एस एल ऑफ ईएमएफ 1.25 वोल्ट गिव ए बैलेंस पॉइंट दिस सेंटीमीटर बैलेंस इन अदर। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड फार्मूला है, क्वेश्चन है। देखिए पोटेंशियोमीटर पर एस एल ऑफ ईएमएफ, पहला ईएमएफ दिया है E1 इक्वल 1.25 और उसके लिए बैलेंस पॉइंट दिया हुआ है, बैलेंस पॉइंट इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेकंड बैटरी इफ द बैलेंस पॉइंट इज 63 सेंटीमीटर। बहुत दो लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपको पता है कि बैटरी का ईएमएफ चेक करने का फार्मूला होता है E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, दैट इंप्लाइज E1 इज 1.25, E2 हमको फाइंड करना है, L1 का वैल्यू कितना है 35 और L2 का वैल्यू है 63, दैट इंप्लाइज हम E2 फाइंड करना चाहें तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू 63 अपॉन 35। इसको हम कैलकुलेटर सॉल्व कर लें, एक लाइन में आंसर, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। 1.25 इंटू 63 अपॉन 35 इक्वल टू 2.25 वोल्ट इज आंसर। ये पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, सिर्फ आपको यह फार्मूला पता होना चाहिए E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्लियर, ये हो गया 3.12 क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 3.13, मतलब क्वेश्चन नंबर 13। मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिया, इजी क्वेश्चन, देखिए एनसीईआरटी को मैं 100% कवर करा दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ, वो मेरा पर्पस सिर्फ ये है
कि आपके अंदर यदि न्यूमेरिकल्स का कोई फोबिया हो तो वो निकल जाए। इजी क्वेश्चन भी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि धीरे 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 आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में जब मैं आईआईटी जेई के लेवल पर या नीट के लेवल पर न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा तो डिफरेंट टाइप का कलेक्शन होगा, वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। क्लियर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल। अच्छा, 3.1 को कोरिलेट करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया है 8.5। यही लिख लेते हैं अपन, गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर। ये पर यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए मीटर इनवर्स क्यूब दिया है। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम 1 वायर 3 मीटर लॉन्ग। एल इज 3 मीटर एंड इट्स इन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वेयर एंड इट इज कैरिंग ए करेंट, अमाउंट ऑफ करेंट I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है और हमको पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, दैट मीन्स वी डी इक्वल टू एल अपॉन टी हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से वी डी इक्वल टू एल अपॉन टी एंड वी नो दैट I इक्वल एन ई ए वी डी। देयरफॉर यदि हम यहाँ पर वी डी के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर L दिया हुआ है, वी डी नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू एन ई ए एंड वी डी इज L अपॉन टी। देयरफॉर यहाँ पर इसको हम यदि सॉल्व कर लें टाइम के लिए, तो टाइम को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो हमारा फार्मूला हो जाएगा t इक्वल टू एन ई ए इंटू एल अपॉन आई। ये फार्मूला हम टाइम के लिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पूरे वैल्यू पुट अप कर दें तो t इक्वल टू एन, एन का वैल्यू अपने को पता ही है, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये इलेक्ट्रॉन में चार्ज हो गया। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻⁶ 2 × 10⁻⁶ इंटू लेंथ इज 3 अपॉन अमाउंट ऑफ करेंट इज आल्सो 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद बस लेंथी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं रखा है इसमें। सबसे पहले आप 10 के पावर वाले को सॉल्व कर लेना, ऐसे किया करो पावर वाले सॉल्व, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये 3 तो 3 के साथ में कैंसिल आउट हो गया। मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट आपको करके बता रहा हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.72 × 10⁴ सेकंड, और आवर में चेंज करें तो 2.72 × 10⁴ में 36,000 का अपन डिवाइड करेंगे, आवर हो जाएगा, और तब हम इसको लिख सकते हैं 7 आवर 33 मिनट, 7 आवर 33 मिनट, ये इसका आंसर है। तो कुछ नहीं है, एक लेंथी कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर आप देखो ये जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन है, इसमें से d को डिस्प्लेस करके l अपॉन t के फॉर्म में लाना है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आज मैंने NCERT के पूरे जितना ऑप्शनल क्वेश्चन को छोड़ के पूरे 100% न्यूमेरिकल्स करा दिया। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए और न्यूमेरिकल्स में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। यदि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूला याद है और NCERT के न्यूमेरिकल आपसे अच्छे से बन जाते हैं तो आगे चल के कॉम्पिटिटिव में आपको इसका बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, थैंक यू।